मंत्री दिग्विजय सिंह पर की गई एफआईआर के मामले में आज देवास के नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका। इस दौरान पुलिस व कांग्रेसियों के बीच जमकर झड़प हो गई, जहां भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का सहारा भी लिया। पुलिस को चकमा देने के लिए कांग्रेसी कई पुतले बनाकर लाए थे। जब कांग्रेसी नारेबाजी करते हुए इंदिरा गांधी चौराहा पर सीएम का पुतला लेकर पहुंचे, तो इसी दौरान उन्होंने रोकने गई पुलिस व कांग्रेसियों में जमकर झड़प हो गई। इस दौरान कार्यकर्ता इधर उधर पुतला लेकर भी भागते नजर आए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज राजानी ने कहा कि बहुत ही अलोकतांत्रिक ढंग से शिवराज सिंह चौहान सरकार चला रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेसियों को डराने का प्रयास किया जा रहा है, एफआईआर उससे हम नहीं डरेंगे। शिवराज सिंह जी सरकार चला रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेसी को डराने का प्रयास किया जा रहा है एफआईआर दर्ज करके, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हों, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे हमारा आम कार्यकर्ता हो, तमाम एफआईआर दर्ज की जा रही है। और हमने पहले भी कहा है, जब कांग्रेस जन उन गोरों से नहीं डरे जिनसे देश आज़ाद कराया, तो क्या इन चोरों से डरेंगे? एफआईआर दर्ज कराने से कुछ नहीं होता है। शिवराज सिंह जी, आप याद रखें, कमलनाथ जी ने कहा है कल के बाद परसों भी आएगा, मारे मारे फिरोगे जनता जब मारने दौड़ेगी आपको। महंगाई की तरफ ध्यान दे दो, कोविड से लोग मरे जा रहे हैं उनकी तरफ ध्यान दे दो। इस तरीके से जैसे ओने पौने दामों में जमीन आवंटित की जा रही है, अगर लोकतांत्रिक तरीके से दिग्विजय सिंह ने विरोध किया, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी ने विरोध किया, तो उन सब पर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं आप। और इतने बुजुर्ग नेता के ऊपर, जो मुख्य सूबे का मुख्यमंत्री 10 साल रहा हो, उसके ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, हमने वीडियो देखा है, उनके हाथों को मसला जा रहा है। कुछ तो शर्म करो शिवराज सिंह जी, उम्र का ख्याल रखना चाहिए, पद का ध्यान रखना चाहिए, इस तरीके से डराने का प्रयास न करें। और सच को सच कहने में कोई बुराई नहीं होती है, हम सब दिग्विजय सिंह जी के साथ हैं, निश्चित रूप से उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा की है, उनके मूल्यों की रक्षा की है। प्रत्येक कांग्रेसजन शपथ लेता है कि जब जब ऐसा अत्याचार होगा हम एकजुट होकर मुकाबला करेंगे। यहाँ शिवराज सिंह जी का पुतला जलाया गया, कितने पुतले जलाए गए? 5 पुतले जलाए गए, आप सबने देखा है, मीडिया ने खुलेआम 5 पुतले जलाए गए। कैनन न्यूज़ के लिए देवास से नागेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।